स्मैकडाउन यानी कि 12 जून 2020 को होने वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के बारे में पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं जेफ हार्डी और शेमस के बारे में। दोस्तों WWE ने अनाउंस किया है कि जेफ हार्डी और शेमस बैकलैश 2020 में होने वाले मैच से पहले इस हफ्ते की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग करेंगे और ringsidenews.com ने यह बताया है कि इन दोनों का सेगमेंट WWE ने पहले ही शूट कर लिया है। तो दोस्तों कल की स्मैकडाउन में शेमस एक डॉक्टर को लेकर आएंगे और वो जेफ हार्डी को ड्रग टेस्ट लेने के लिए बोलेंगे और शेमस जेफ हार्डी को नशेड़ी बोलेंगे, इसलिए जेफ हार्डी उनका यूरिन कप में से शेमस के मुंह पर फेंक देंगे। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि बैकलैश 2020 में इन दोनों के मैच में कौन जीतेगा, शेमस या फिर जेफ हार्डी? कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। दोस्तों डैनियल ब्रायन और एजी स्टाइल्स वैकेंट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के टूर्नामेंट के फाइनल राउंड में पहुंच गए हैं और इन दोनों का मैच इस हफ्ते के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में होगा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। और दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि एजी स्टाइल्स जीतकर न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन सकते हैं। वैसे दोस्तों आपके हिसाब से डैनियल ब्रायन और एजे स्टाइल्स में से कौन जीतकर न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनेंगे, कमेंट करके मुझे बताएं। दोस्तों पिछले हफ्ते के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में एलेक्सा ब्लिस और निकी क्रॉस को हराकर बेली और साशा बैंक्स न्यू वुमेन्स टैग टीम चैंपियन बन गई हैं और अब बैकलैश 2020 में इन दोनों का मैच हो रहा है द आइकॉनिक्स की टीम और निकी क्रॉस और एलेक्सा ब्लिस की टीम के साथ, इसलिए इस हफ्ते के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में इन तीनों टीम्स का ब्रॉल हो सकता है। और क्योंकि पिछले हफ्ते के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में सोनिया डेविल मैंडी रोज की वजह से उनका मैच हार गई थी, इसलिए इस हफ्ते के स्मैकडाउन में सोनिया डेविल और मैंडी रोज का सिंगल्स मैच हमें देखने मिल सकता है। चलिए अब बात करते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन और उनके बैकलैश 2020 के अपोनेंट द मेज और जॉन मॉरिसन के बारे में। दोस्तों पिछले हफ्ते स्मैकडाउन में मेज और मॉरिसन ने मिलकर ब्रॉन स्ट्रोमन को बहुत परेशान किया, लेकिन आखिर में स्ट्रोमन ने उस वैन को ही उलट दिया जिसमें ये दोनों बैठे थे। और दोस्तों WWE ने अनाउंस किया है कि इस हफ्ते के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में हेवी मशीनरी रीयूनाइट करेंगे और टीम अप करेंगे ब्रॉन स्ट्रोमन के साथ और फेस करेंगे डॉल्फ ज़िगलर द मेज और जॉन मॉरिसन की टीम को सिक्स मैन टैग टीम मैच में। वैसे दोस्तों आपको याद दिलाना चाहूंगा कि ओटिस मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट विनर भी हैं, इसलिए अगर उन्हें मौका मिला तो वो इस हफ्ते फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में ब्रॉन स्ट्रोमन पर कैश इन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके हिसाब से ब्रॉन स्ट्रोमन और द मिज और जॉन मॉरिसन के बैकलैश 2020 के मैच में कौन जीतेगा, कमेंट करके मुझे बताएं। और इस हफ्ते के स्मैकडाउन इंडिया में सैटरडे 13 जून की सुबह 5:30 बजे से Sony 10/1 और Sony 10/3 पर देगा। और आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और मैं आपसे जल्दी मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय।